Hello students, let's continue from where we left last time. So in this part, the first question is which of the following is an example of denatured protein? तो denaturation कब होती है? Souring of milk में, boiling of egg में, दोनों में या किसी में नहीं? तो yes, denaturation souring of milk में भी होती है और boiling of egg में भी होती है. Denaturation का क्या मतलब है? कि वो जो coiling secondary या tertiary proteins की थी वो अनकॉइल हो जाएगा. जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ी थी वो चीजें वो वापस खुल के प्राइमरी स्ट्रक्चर दे देंगी. प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, सेकेंडरी और टर्शरी डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो बोथ ऑफ देम आर डीनेचर्ड प्रोटीन्स. देन इज विच ऑफ दीज एग्जिबिट्स पायरेनोज फॉर्म. सो ग्लूकोज जो है वो पायरेनोज फॉर्म एग्जिबिट करता है, जिसमें C1-C5 लिंकेज जो है ग्लूकोज की वो आपस में इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं. यहाँ फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं. तो इनमें से जो पायरेनोज फॉर्म एग्जिबिट करेगा वो है ग्लूकोज. नेक्स्ट है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और बीटा डी नेगेटिव. बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज आपस में क्या है? वेल, ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं और इनको एनोमर्स कहा जाता है. एनोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो सिर्फ फर्स्ट कार्बन एटम्स पे या एक कार्बन एटम पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं. जैसे अल्फा डी में क्या होता है, फर्स्ट कार्बन पे OH जो है वो राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, लेकिन बीटा डी में क्या होता है, ये OH जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. तो बस ये डिफरेंस है फर्स्ट कार्बन के ऊपर इनका, और ये होते हैं एनोमर्स. नेक्स्ट है इन DNA द बेस विच इज नॉट प्रेजेंट इज, वेल DNA में एडेनिन भी है, उसमें ग्वानिन भी है, उसमें साइटोसिन भी है, लेकिन यूरेसिल उसमें नहीं होता. यूरेसिल की जगह उसके पास होता है थायमिन. यूरेसिल RNA में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज द बेस विच इज प्रेजेंट इन DNA बट नॉट इन RNA. तो DNA में जो बेस प्रेजेंट है RNA में नहीं है, वो है थायमिन. RNA में थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है. तो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस फॉर TCGA इज, वेल टी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हुआ ए, सी के लिए जी, जी के लिए सी और ए के लिए टी. तो आंसर वुड बी ए जी सी टी. दिस मेक्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, सुक्रोज, ग्लूकोज, फैट्स या प्रोटीन्स. सो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव वो देता है जो कि एल्डिहाइड ग्रुप हो जिसमें, लेकिन जो सुक्रोज है उसका डायसेक्राइड फॉर्मेशन की वजह से एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता, तो सुक्रोज नहीं दे पाता. ग्लूकोज ये टेस्ट जरूर दे पाएगा क्योंकि उसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री रहता है. सो बी इज द आंसर. देन इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस बॉन्ड बिटवीन टू कार्बोहाइड्रेट्स. जब भी दो कार्बोहाइड्रेट्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो एक कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें से आप H निकालते हो और दूसरे कार्बोहाइड्रेट में से OH निकालते हो. वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और आपको इस तरह की लिंकेज मिलेगी जो O के थ्रू ये लिंक करता है, और ये लिंकेज जो है, दिस लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. सो ये कार्बोहाइड्रेट्स में एग्जिस्ट करता है. जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अगर आप ज्वाइन करते हो तो उनके ऑपोज दो भी जो भी फेस कर रहे हैं हैंड्स अपने एक दूसरे को, उसमें से H और OH एलिमिनेट करके आप कार्बोहाइड्रेट्स को ज्वाइन कर सकते हो. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या इथरल लिंकेज ये है जिसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं. The alpha helical structure of protein is stabilized by, well, it is stabilized by hydrogen bond. जो carboxyl group है acid का और जो amine का NH है वो आपस में hydrogen bond show करता है और इस alpha helix को stabilize करता है. Next is sugar base, phosphate, combined to form, well, they are components of a
न्यूक्लियोटाइड। राइबोस शुगर आपको चाहिए होती है, जैसे अगर आप डीएनए की बात करें और डीएनए की जो बैकबोन है वो इसी से बनती है जिसमें राइबोस शुगर है, और आपके पास नाइट्रोजनस बेस है जिसमें प्यूरीन्स होते हैं, पिरिमिडीन्स होते हैं, और साथ में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं जो कि बनाती है बैकबोन ऑफ डीएनए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में यही डिफरेंस है, दोनों में बेस और शुगर जरूर होते हैं लेकिन न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता है। सो फॉर दिस ए इज द करेक्ट आंसर। सो 37th क्वेश्चन है, स्टार्च इज अ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड। वेल स्टार्च जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च ग्लूकोज की लंबी लंबी चेन से बनता है और इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वेल स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ, यस स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो आपस में लॉन्ग चेन्स के फॉर्म में या ब्रांच्ड चेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और स्टार्च इसी से बनता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टार्च, क्योंकि स्टार्च के दो ये रहता है, लीनियर कॉम्पोनेंट जो है स्टार्च का वो अमाइलोज है और ब्रांच्ड वाला कॉम्पोनेंट अमाइलोपेक्टिन है। जो अमाइलोज है उसमें 15-20% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, मतलब स्टार्च प्रेजेंट होता है, और 80-85% जो है अमाइलोपेक्टिन में प्रेजेंट होता है। वाटर सॉल्यूबल कॉम्पोनेंट आपका अमाइलोज रहेगा और इनसॉल्यूबल कॉम्पोनेंट आपका अमाइलोपेक्टिन रहेगा। फिर इनकी लिंकेजेस होती हैं, लीनियर लिंकेजेस अमाइलोज की C1-C4 लिंकेज है और जो अमाइलोपेक्टिन है उसमें लीनियर लिंकेज C1-C4 है लेकिन ब्रांचेस C1-C6 से जुड़ी होती है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स है स्टार्च के। देन व्हिच इज लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में जब लीनियर पॉलीमर ग्लूकोज का बनता है इट गिव्स राइज टू स्टार्च का अमाइलोज वाला, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग हो जाती है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। देन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हैज, वेल ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन से बनता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो इसमें प्रेजेंट होता है और एल्डिहाइड चेन टर्मिनेटिंग होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा। बाकी इसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है सेकेंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे और फिफ्थ पे। So this is the structure of glucose. So open chain structure of glucose में present है aldehyde group. So A is the correct option. Next, the number of OH group present in glucose is, जैसे अभी हमने glucose का structure draw किया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो आप देख सकते हो कि आपके पास 6th कार्बन पे भी OH है, 5th पे भी OH है, देन 4th पे भी OH है, 3rd पे इधर OH होता है, 2nd पे इधर, और 1st पे आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो टोटल नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इन एल्डिहाइड वुड बी 5. Then the open chain of glucose has dash chiral atoms. अभी देखिए फिर से, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब इसमें हम ग्रुप्स अटैच कर देते हैं जो भी प्रेजेंट है। यहाँ तो C डबल बॉन्ड O है और H है, राइट? और आपके पास सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है इधर, अब ये तो कायरल हो नहीं सकता क्योंकि इसके एक की तरफ ये डबल बॉन्ड ओ लग गए तो चारों डिफरेंट तो नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक तरफ OH है, यहाँ H है, यहाँ पर OH इस साइड है, यहाँ H है, यहाँ पर OH इधर है, यहाँ H है, देन यू हैव OH here, H here, और यहाँ पर CH2OH है, राइट? सो अब इसमें कायरल अगर हम सर्च करें, सो ये कार्बन कायरल होगा क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4 साइड्स डिफरेंट रहेंगी। ये भी कायरल होगा क्योंकि इसमें भी 4 साइड्स डिफरेंट हैं।
ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है और ये कार्बन भी कायरल है, लेकिन इसमें दो तरफ हाइड्रोजन है और इसमें डबल बॉन्ड ओ है, तो ये कायरल नहीं होगा। ठीक है, सो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो आपके पास टोटल 4 कायरल कार्बन एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं, जो कि हमने स्टार के साथ रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड है, तो आंसर विल बी 4। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन इज द प्राइमरी हाइड्रोक्सी ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज इज, प्राइमरी मींस जो एक तरफ कार्बन से अटैच्ड हो, तो टोटल 6 कार्बन एटम्स में, बाकी जिनके ऊपर भी OH है, जैसे सेकंड पे OH है, थर्ड पे OH है, फोर्थ पे OH है, फिफ्थ पे OH है और सिक्स्थ पे भी OH है, लेकिन अगर आप इनको देखोगे तो इसमें ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, सिर्फ आपके पास एक ही प्राइमरी कार्बन है, ये वाला, क्योंकि इसके दोनों तरफ यहाँ हाइड्रोजन है, सिर्फ एक तरफ कार्बन प्रेजेंट है, तो इसके पास है 1 प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन वाटर विद ग्लूकोज गिव्स ग्लूकोनिक एसिड शोज दैट ग्लूकोज हैज, वेल ब्रोमीन वाटर जो है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो या तो वो अल्कोहल को या फिर एल्डिहाइड को मतलब कर पाएगा आराम से एसिड में चेंज, लेकिन कीटोन को नहीं कर पाएगा। कीटोन की थोड़ी विग्रेस ऑक्सीडेशन रिक्वायर्ड होती है एसिड में चेंज करने के लिए, क्योंकि उसके दो तरफ कार्बनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन प्रेजेंट है, तो वहां से क्लीवेज करनी होती है, तो कीटोन ये नहीं हो पाएगा, सिर्फ एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है एसिड में, सो इट हैज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, राइट। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देन द साइक्लिक पाइरानोज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज शोज द लिंकेज, जो पाइरानोज फॉर्म है ग्लूकोज की वो इस तरीके से बनती है, और यहाँ फर्स्ट कार्बन होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो आपके पास चेन में फर्स्ट और फिफ्थ जुड़े हैं इस ऑक्सीजन के थ्रू, सो इट शोज C1C5 लिंकेज। फ्रक्टोज इज ग्रेप शुगर, फ्रूट शुगर, बोथ और नन, वेल फ्रक्टोज इज नोन एज फ्रूट शुगर। द प्रोटीन विच हैज लेस देन 100 अमाइनो एसिड इज इंसुलिन, उसके पास 51 अमाइनो एसिड होते हैं, वैसे जनरल उसमें आपको 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड होने पे प्रोटीन कंसिडर किया जाता है, बट इंसुलिन इज एन एक्सेप्शन, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बिकॉज ऑफ द जनरल फॉर्मूला, वेल द जनरल फॉर्मूला इज CXH2OY, इसीलिए उनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता है, लेकिन ये अभी थोड़े से कुछ इस पे, अब जो जनरली हम फॉर्मूला फॉलो करते थे वो ये फॉर्मूला ही फॉलो करते थे, मगर बहुत सारे नॉन कार्बोहाइड्रेट्स भी इस फॉर्मूला में फिट हो जाते हैं, तो जो करंटली हम इसकी डेफिनेशन फॉलो करते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और सब्सटेंसेस व्हिच गिव सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, दैट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच वी फॉलो नाउ। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव्स ऑक्साइन विद ग्लूकोज, तो ऑक्साइन देता है हाइड्रोक्साइल अमीन विच इज ए, दिस इज हाइड्रोक्साइल अमीन, तो जब भी ये एल्डिहाइड ग्रुप के साथ कंबाइन करेगा तो मैं इसके NH2 को इस साइड लिख देती हूँ, क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन दिस एंड दिस गिव्स यू ऑक्साइम विच इज सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, दिस इज ऑक्साइम, सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो इस पार्ट में आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी कोई क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम्स हों, जो भी क्वेरीज हों, आपको जो भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं।